दोस्तों आज है T20 वर्ल्ड कप के बाद पहला मैच टीम इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में बुरे परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया आया है पूरा नए अवतार में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कप्तान हुआ चेंज, जहाँ पर खिलाड़ी हुए चेंज, कोच हुआ चेंज, सब लोग चेंज हुए। अभी नया टीम हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा IPL के उन खिलाड़ी को जो कि अव्वल नंबर पे थे, यानी जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो आज क्या होगा स्क्वाड, आज क्या होगा टीम 11, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम इंडिया में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया का जो सीरीज होगा, यहाँ पर T20 और टेस्ट मैच खेला जाएगा। T20 तीन मैच होगा, पहला T20 17 नवंबर, दूसरा T20 19th और तीसरा T20 21st नवंबर को खेला जाएगा। तो आज है पहला T20 जो कि आप देख सकते हैं टीवी पे या फिर स्ट्रीमिंग पे। दोस्तों, आज जो पहला 11 यानी फर्स्ट 11 होने वाला है वहां पर होगा बिग चेंजेस, क्योंकि सीनियर्स खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है, जैसे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, और यहाँ पर नया फेस देखने को मिलेगा जो कि IPL के अव्वल नंबर की खिलाड़ी है, जो कि इंडिया टीम में अभी चांस मिला है और अभिषेक होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, अवेश खान और हर्षल पटेल, जो कि इस बार IPL में बहुत अच्छा खेले हैं। तो इस बार हम देखेंगे कि प्लेइंग 11 में क्या होने वाला है। दोस्तों, कप्तान होंगे रोहित शर्मा, जो कि पहले से ही डिक्लेयर है। रोहित शर्मा उतरेंगे इस मैदान में T20 वर्ल्ड कप के बाद, कप्तानी है टीम इंडिया की। इसके बाद आएंगे लोकेश राहुल। जी हाँ दोस्तों, लोकेश राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में है और ये दोनों जरूर खेलेंगे। दोस्तों, इसके बाद आएंगे वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों, इस बार हार्दिक पांड्या की ऑल्टरनेट या फिर हार्दिक पांड्या की जो रिप्लेसमेंट है वो ढूंढा गया है, जो कि है वेंकटेश अय्यर। उनको बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए देखा गया था, KKR के लिए बहुत अच्छा खेले थे IPL T20 में, और उनका बॉलिंग इस तरह से नहीं देखा गया था। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया में चांस मिलना चाहिए, और इसके लिए उनके बॉलिंग को देखने के लिए वेंकटेश अय्यर को नेट बॉलर के रूप से अपॉइंट किया गया था T20 वर्ल्ड कप में। और वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद अभी वह उतरेंगे टीम इंडिया के लिए खेलने के। दोस्तों, इसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव, जो कि अभी फॉर्म पे है, फॉर्म पे नहीं है ऐसा आप कह सकते हैं, या फिर इनके जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को लाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ है फॉर्म पे, लेकिन सूर्य कुमार यादव फॉर्म पे उतना नहीं है। दोस्तों, विकेट कीपिंग करेंगे ऋषभ पंत, जो कि आप कह सकते हैं इंडिया के परमानेंट विकेट कीपर हो चुके हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, IPL में भी अच्छा खेला है, अभी उनको चांस मिलना ही चाहिए। हर्षल पटेल करेंगे बॉलिंग, और यहाँ पर अभिषेक होने ही वाला है हम कह ही सकते हैं। साथ में युजवेंद्र चहल को आउट ऑफ स्क्वाड रखा गया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इस बार जरूर चांस मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल, जो कि IPL में भी अच्छा खेले थे, उनको भी चांस मिलना चाहिए। साथ में भुवनेश्वर कुमार या फिर आवेश खान, इन दोनों में से किसी को चांस मिल सकता है। और अभी अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो रविचंद्रन अश्विन, और पेस ट्रैक हुआ तो भुवनेश्वर कुमार को लिया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मेरे बेटे कमेंट का।